परफॉर्मेंस उसमें देखने को ही नहीं आई ना। मैं अभी देख रही थी हमारे यहाँ जो आपका लाइब्रेरी साइंस का बैच है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो उस पे अभी तक 3,009 स्टूडेंट्स जो है उसमें ऐड हुए हैं, जिसमें 200 शायद 90 बच्चे ही पेपर दे पाए हैं। अप्रोक्स 300 के करीब ही बच्चों ने पेपर दिया है। तो अब आप देख लो, मतलब 10% लोग ही पेपर दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबकि इस बार का पेपर भी बहुत अच्छा आया था। एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जो हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। एक्चुअली मेरे पास लिस्ट आई नहीं, इस वजह से मैं उसको डिस्कस नहीं कर सकती यहाँ पे, बट आप लोगों ने जो पेपर दिया है, पेपर के बाद आप लोगों की रैंकिंग वहाँ पे आई हुई थी, तो आप लोगों को बेटर पता होगा कि कौन कैसा रैंक कर रहा है। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया था 10th रैंक का, मैं नाम मेरे को याद नहीं है, बट बधाई हो बेटा आपको, आपने मुझे मैसेज किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी जो भी रैंक आई है आपने मेरे को मैसेज किया कि मेरी ये रैंक आई है, तो आप लोगों ने ये जिम्मेदारी समझी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे से आप लोग ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप लोग अगर टेस्ट दिया जा रहा है, टेस्ट आपको करवाया जा रहा है, तो आप अटेम्प्ट किया कीजिए। मैंने इसीलिए इस बार 12 घंटे का टेस्ट रखा था कि किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं हो टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। कोई बात नहीं, आपने नहीं किया नहीं किया, पीडीएफ है, पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट निकालिए, उसका सोल्यूशन जो है ऑलरेडी लाइब्रेरी वाले पार्ट का, यानी कि आपके 100 क्वेश्चंस का, वो मैंने अपलोड कर दिया है। और जीके का जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला है, वो मैं 1 या 2 दिन में आपको वो भी अपलोड कर दूंगी। तो आपका कंप्लीट पेपर जो है एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन के साथ आपके सामने रेडी है। अगला पेपर तकरीबन 15 से 20 तारीख के बीच में हम लोग करवाएंगे, ठीक है? 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच जो है आपका अगला पेपर होगा। उसकी डेट अभी डिसाइडेड नहीं है, तो डेट डिसाइड करके अगला वीडियो जब भी मेरा आएगा मैं आपको अनाउंस कर दूंगी कि एग्जैक्ट डेट जो है आपके आगे की मॉक नंबर 3 की क्या होगी। हमारा जो रेगुलर टेस्ट शेड्यूल जो चल रहा है, बुधवार और शनिवार, ये टेस्ट हमारे एज इट इज चलते रहेंगे। इनसे हम किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो फुल मॉक टेस्ट है, ये फुल मॉक टेस्ट जो है जब जब होगा उसके पहले हम अनाउंसमेंट कर देंगे। तो नवंबर में होगा तो उससे पहले मैं अनाउंस कर दूंगी कि ये मॉक टेस्ट आपके कब होंगे। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ और इस वजह से मैं आपके सामने आई हूँ। सबसे पहला पॉइंट, जो टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट जो आपके हो रहे हैं, आजकल श्री समृद्धि क्लासेस भी करवा रहा है अस्तित्व एप्लीकेशन पे। विनीता चौहान मैम का एक अलग से ही अपना टेस्ट चल रहा है, जिसका हमारे यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अगर आप उन टेस्ट को ज्वाइन करते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए, बट वो टेस्ट उनके अपने हैं, इंडिविजुअल टेस्ट हैं, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पे है। तो जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बार बार हमें फोन करते हैं, बार बार हमें मैसेजेस करते हैं कि मैडम उस ग्रुप में जोड़ दीजिए, वहां पे कर दीजिए, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि मैम ने हमें किसी भी तरीके का कीवर्ड या किसी भी तरीके की कोई इस तरीके का असाइन नहीं कर रखा है कि हम ऑथराइज हो जाए वो काम करने के लिए, तो वो हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको जुड़ना है तो आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा जो मॉक टेस्ट है वो हमारे अस्तित्व ASTITVA एप्लीकेशन पे चल रहा है, ठीक है? अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आप 800-331-8030 इस पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो भी प्रोसेस होगा वो हम आपको बता देंगे। हो सकता है कई बार ऐसे होता है, वैसे तो जितने भी आपकी कॉल्स आती हैं, जितने भी मैसेजेस आते हैं, उनको रिप्लाई हम लोग करते हैं, कॉल भी अटेंड करने की कोशिश करते हैं, बट कई बार ऐसे होता है, कई सिचुएशंस में ऐसे होता है कि आपकी कॉल एट अ टाइम रिसीव नहीं होती है। मैं मेरे साइड से बता रही हूँ आपको, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कॉल बैक करने की। अगर कॉल बैक करती हूँ, बात हो जाती है तो बात हो जाती है, अगर नहीं भी आता है कॉल तो आप लोग कभी भी इस तरीके से मत सोचिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है कि हम लोग इरिटेट होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है बेटा।
समय जो होता है, इतना समय आप समझ सकते होंगे कि मेरे पास कितना समय होता है। मैं क्लास भी लेती हूँ, मेरा कोचिंग है, मैं कोचिंग संस्थान को देखती भी हूँ, मैं पूरे टाइम इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट में लगी होती हूँ। तो कई दफ़े हो सकता है मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ, फिर भी मैं कॉल बैक करती हूँ। अगर मेरा कॉल बैक नहीं आता है तो आपकी अपनी ही हूँ मैं, आप दोबारा अपना समझ के मुझे कॉल कर लिया कीजिए कि मैम ये बात है, मैंने कल भी कॉल किया था, ठीक है। तो उसमें कभी भी कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे अगर आप मैसेज कर देते हैं तो 100% 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, जितना भी समय लगे, लेकिन अगर आपने मैसेज किया है और मुझे कॉल करके बात करनी है तो मैं 100% कॉल करके आपसे बात करती हूँ। तो पहली बात तो ये कि टेस्ट जो श्री समृद्धि का टेस्ट है वो हमारे अस्तित्व एप्लीकेशन पे ही है। और मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी टेस्ट सीरीज आप मार्केट में पाएंगे वो सारे के सारे टेस्ट सीरीज हम लोग या तो ऑलरेडी करवा चुके हैं, और अगर नहीं करवाए हैं तो जो अलग से कुछ है भी वो भी हमारे एप्लीकेशन पे आ जाएगा। तो आपको टेस्ट के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पे टेस्ट सीरीज कीजिए। विनीता मैम की टेस्ट सीरीज उनकी अपनी टेस्ट सीरीज है, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो पहला तो हमारा टेस्ट के लिए था। दूसरा जो आजकल बहुत बड़ा इशू बना हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का, ये इशू क्यों बना हुआ है मैं आपको बता दूं। एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे फोन कॉल्स मेरे पास बच्चों के आए हैं, स्टूडेंट्स के आए हैं, आप लोगों के बीच में से ही आए हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, ऐसे लोगों को कुछ कॉल्स हैं जो जा रही हैं और लोग ये कह रहे हैं। और बाकायदे मैं आपको तीन नाम भी बता सकती हूँ। एक है सत्यांशु नाम से कॉल जा रही है, दूसरा महेश नाम से कॉल जा रही है, और तीसरा दीपिका नाम से कॉल जा रही है। ये तीन कॉल्स जा रहे हैं और ये तीनों ही ये बोल रहे हैं कि वो श्री समृद्धि क्लासेस से हैं। ये लोग श्री समृद्धि क्लासेस से नहीं हैं, श्री समृद्धि क्लासेस से केवल और केवल डॉक्टर किरण सिंह ही आपको कॉल करेंगी। केवल और केवल डॉक्टर किरण सिंह के निर्देशन में ही आपके पास कॉल जाएगा, केवल और केवल हमारे श्री समृद्धि क्लासेस के नंबर से ही कॉल आएगा। अदर किसी नंबर से हम कॉल नहीं करेंगे। दिस इज आवर कमर्शियल नंबर, ये हमारे संस्थान का नंबर है, संस्थान हमारा रजिस्टर्ड है, किसी भी तरीके की डुप्लीकेसी हमारे पास है ही नहीं। एक अच्छे मैनेजमेंट के द्वारा, एक अच्छा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, एक अच्छी क्रियाशीलता के द्वारा हम लोग अपने सारे काम करते हैं, जिसमें हर तरीके की ट्रांसपेरेंसी होती है। तो आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जितने लोगों के पास भी इन लोगों के फोन कॉल्स आए हैं ऑनलाइन की क्लासेस के लिए, आप प्लीज मेरा ये फेवर कीजिए, आप मुझे या तो कॉल करके बताइए, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, या फिर आप मुझे मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट में डालिए कि यस मेरे पास ये कॉल आई है, मेरा नंबर ये है। या आप नंबर इन पे मत कीजिए, आप व्हाट्सएप ही कीजिए, पब्लिकली आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या आप मुझे कॉल करके बता दीजिए। जो लोग मेरे अनाउंसमेंट के बाद, जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस का अनाउंसमेंट किया था, मैंने विनीता मैम की क्लासेस को जब लॉन्च किया था, उस टाइम के बाद, मेरे अनाउंसमेंट के बाद, जो बच्चे मैम की भी क्लास ले रहे हैं, जिन्होंने मैम की क्लास को ज्वाइन कर रखा है, ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, या जो अभी भी सोच रहे हैं, वो प्लीज 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 मुझे कॉल करें और मुझे व्हाट्सएप या मैसेज जरूर करें, जिससे मुझे भी ये पता होना चाहिए कि मेरे यहाँ का बच्चा या मेरे थ्रू ये बच्चा यहाँ पे कर रहा है, सही है या नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि आप मेरे थ्रू अगर नहीं होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, तो उसके लिए फिर हम कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। आपके किसी मटेरियल में, आपके किसी वीडियो में, आपके किसी टेस्ट में, अगर आप हर तरीके से इंडिविजुअली खुद ही इन लोगों के कहने पे अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं, तो हम इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसलिए जिन बच्चों से मेरी बात हुई है, जो बच्चे मुझसे बात करके बैच को ज्वाइन किए हैं, इनफैक्ट जिन्होंने पेमेंट भी मैम को करी है, जिन्होंने वो क्लासेस ले भी रखी है, जिनके पास आईडी पासवर्ड आ गए हैं,
आप लोग प्लीज मुझे मैसेज करके बताइए कि आप लोग वहाँ के रेगुलर स्टूडेंट हो चुके हैं, ताकि मुझे ये पता रहे कल को फर्दर अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरे यहाँ का बच्चा है जो ऑलरेडी विनीता मैम की ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है। तो आप ये काम कीजिए, मेरे को दो ये इशू क्योंकि बहुत तगड़े चल रहे थे और मुझे इंटरेक्ट होना बहुत ज़रूरी था। किसी भी सिचुएशन में किसी भी कारणवश बच्चों को मैं किसी भी एंगल पे डिस्टर्ब नहीं देखना चाहती हूँ और ना ही कंफ्यूज देखना चाहती हूँ। ठीक है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप ठीक तरीके से असेंबल वे में, जिस तरीके से मैं मैनेज करके चीज़ों को चलती हूँ, मेरा प्रयास ये रहेगा कि मेरे अपने बच्चे जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, जो मुझे समझते हैं, जो मेरी गलतियों पे हमेशा जो है अपना सजेशंस देते हैं, मैं उन सभी बच्चों को ये चाहूंगी कि कभी भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, आप लोगों की भी ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। आप ट्रांसपेरेंट रहिए। आप लोगों को अगर किसी भी तरीके का कॉल इन लोगों के द्वारा आया है, आप मुझे बताइए। देन आपने जो मैम के पास भी वीडियो जिन्होंने परचेज भी कर रखा है, आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोग कौन कौन हैं। मेरे पास आपकी एक लिस्ट होनी चाहिए, तो आप मुझे बताइए, आप मुझे ये चीज़ इंटीमेट कीजिए, आप मुझे सूचना दीजिए कि हाँ मैम हम लोग आपके द्वारा या आपके थ्रू वो क्लासेस लिए, हमारा यूज़र आईडी ये है। ठीक है, आप केवल अपनी यूज़र आईडी मुझे बता दीजिए तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ बच्चा वहाँ पे ठीक तरीके से है। ठीक है, तो आप लोग ये दो चीज़ों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। टेस्ट सीरीज हमारी केवल और केवल अस्तित्व एप्लीकेशन पे है, और दूसरा ये कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिए, और जो अभी इन लोगों के कॉल्स के द्वारा ज्वाइन करने वाले हैं, आप लोग भी मुझे फ़ोन कीजिए, आप लोग भी मुझसे कंसल्ट कीजिए अगर मेरे द्वारा जाना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटीज़ के द्वारा जाना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि इन लोगों को मैं जानती नहीं, तो इनके अगर आ रहे हैं तो दे आर फ्री, इनके लिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस क्योंकि मैं देख रही हूँ मार्केट में कोई कैसे शुरू कर रहा है, कोई कैसे शुरू कर रहा है, मतलब इसको हलवा पूड़ी लोगों ने बना रखा है, ये ऑफर है वो ऑफर है, ऐसा लगता है जैसे शिक्षा नहीं है ये सलून चल रहा है। ऐसा लगता है कि कोई शिक्षा नहीं है, लैक्मे और लॉरियल का कोई सलून कोई पार्लर है कि इतने परसेंट डिस्काउंट पे ये, इतने परसेंट डिस्काउंट पे ये क्या तरीका होता है। पढ़ाई तो पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई की एक फीस होती है, उस फीस से कोई कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकता है, और जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है आपको पता होना चाहिए कि फिर उसकी क्वालिटी क्या होगी। ठीक है, तो आप लोग ये दो काम जो है वो कीजिए, और जो भी टेस्ट है आप लोगों का जैसा भी टेस्ट हो गया है बढ़िया है, बधाई हो आप लोगों को। जिनके भी ई ग्रेड तक आए हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि ई ग्रेड वाले बच्चे जो है वो पास हैं, और जो एफ ग्रेड हैं वो सारे क्या हैं, फेल हैं। तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, और जो एफ ग्रेड हैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेज है मेरी और मेरे संस्थान की कि आप लोग जो तीसरा मॉक पेपर करेंगे वो बेहतरीन करेंगे, आप लोगों की परफॉर्मेंस उनमें आनी चाहिए, और 3,000 स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग सीरियसली लीजिए इसको। अदरवाइज मैं किसी दिन ऐसा होगा कि पीडीएफ भी अपलोड करना बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे आप लोगों के साइड से बहुत ये केयरलेस एटीट्यूड दिखने को मिल रहा है। सभी को ये पता है कि टेस्ट होने के बाद पीडीएफ तो मिल ही जाती है, उसके साथ आंसर तो होता ही है, तो घोटा मारने वाला जो सिस्टम है ना वो आप लोगों के दिमाग से निकलता ही नहीं है। हम तो यहाँ मेहनत कर रहे हैं कि पेपर भी डाल दें, उसका एक्सप्लेनेशन भी करा दें, आंसर भी डाल दें, सब कुछ करें, लेकिन आप लोगों को घोटने की आदत हो गई है, तो इस घोटने की आदत से बाहर निकलो। हमेशा चम्मच से ही खाना नहीं खाना पड़ता है, कभी कभी इन उंगलियों का भी प्रयोग जो है वो करना होता है। चम्मच से रोटी को नहीं तोड़ सकते हो, अगर चम्मच से खाने की आदत हो गई ना तो केवल चावल दाल ही खाने की आदत रहेगी, लेकिन उंगलियों का भी प्रयोग करना सीखो तभी जाके रोटी और पूरी खा सकोगे, बाटी खा सकोगे। तो खाना अगर पेट भरना है ना तो सब तरीके से खाने की आदत डालो। एग्जाम जो आप देने जा रहे हो ना, आप हर तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हुई है, रट्टाफिकेशन, घोटा मारना, केवल फैक्ट्स तैयार करना, इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप लोग जो है इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, और हम हमेशा साथ में हैं आपके,
और दो शब्द तो कहना बनता है, और मैं कहना भी चाहूंगी, बिल्कुल मेरी इच्छा भी है। गर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे। मैं टेस्ट करवा रही हूँ, आप टेस्ट करोगे तो हम दोनों कभी भी इधर उधर जो है वो कंफ्यूज नहीं होंगे, बीच में कोई भी बैरियर कोई भी हर्डल नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन आपने बिसराया इसको, जिस दिन आपने अवॉइड करना शुरू कर दिया, हम भी इसको बंद कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे। इसलिए आपके बेनिफिट के लिए है, आपके फायदे के लिए है, आप लोग इसको आराम से कीजिए। मटेरियल जो है वो कुछ कुछ मटेरियल अब हम पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपलोड करना चालू करेंगे, तो आप लोग उनकी जो है वो प्रिंट आउट निकालिए और अपने पास रखिए, तैयारी अच्छे से कीजिए। और जिन बच्चों को सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, बहुत जल्दी ही हम सिलेबस आने के बाद बैच स्टार्ट करेंगे, तो जैसे सिलेबस आएगा आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। और मैं उन नंबर्स का, उन बच्चों के फ़ोन का और व्हाट्सएप मैसेजेस का वेट करूंगी जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस मैम की ज्वाइन कर रखा है, और उनका भी वेट करूंगी जिनके पास इस तरीके के इन लोगों के कॉल्स आए हुए हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, बाय बाय।